हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिना लहसुन प्याज के आलू की सब्जी। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे लग चुके हैं और नवरात्रों में बिना लहसुन प्याज के कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती है, तो आज हम यही बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज के आलू की सब्जी। तो आलू तो हमने पहले ही उबाल लिया था, उसको मैंने छिलका निकाल दिया है। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हमने काली सरसों और जीरा डाल दिया है, ये अच्छे से चटक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे, देखिए, कटा हुआ टमाटर और कटी हुई मिर्ची। तो दोनों को साथ में अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, इसको हम यहीं पे डाल देंगे नमक। तो नमक डालने से क्या है कि जो टमाटर है ये अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए, इसको मिलाते हुए अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, जो हमने आलू उबाली थी उसको मैंने मैश कर लिया है, अब इसको हम यहीं पे डाल देंगे। तो इसको मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी लगेगी, ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी है। तो देखिए, बिल्कुल चाट जैसी सब्जी बनेगी। अगर आपको सूखी पसंद है तो आप सूखी ही रहने दें, इसमें पानी ना डालें। और इसमें हम पानी डालेंगे फ्रेंड्स, तो पहले इसको हम अच्छे से मसालों के साथ भूनने के बाद में हम पानी डालेंगे। तो देखिए, इसको अच्छे से हमने भून लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो इसको हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको ज़्यादा तरी पसंद है तो इसमें पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि अभी ये पकेगी तो तरी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी अभी और डालेंगे, थोड़ा कम लग रहा है। तो इसको पहले अच्छे से मिला देंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से उबल रही है। अब इसको हम करीब 5 मिनट के लिए ढक देंगे स्लो आँच पर। तो चलिए, अब सब्जी को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सब्ज़ी बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। अब गैस को हम कर देंगे बंद। देखिए सब्जी कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, परोठे के साथ, किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगने वाली है। जैसे आप लंगर में खाते हैं उसी तरीके से हमने ये सब्ज़ी बनाई है। तो देखिए, बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है और खाने में भी टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। तो देखिए, हमने गैस को बंद कर दिया है, हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।